अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे सब लोग? अल्लाह के करम से सब है धैर्य से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी ठीक ठाक हूँ और अल्लाह आपके अपने हिफ्ज व ईमान में रखे। मैं बारिश थी और मैंने व्लॉग बनाया था, बाहर गई थी मैं, कुछ काम थे मुझे दो तीन, तो बारिश भी थी लेकिन जाना भी ज़रूरी था, तो मैंने कहा चलें फिर मैं कुछ वीडियो वगैरह बना लेती हूँ। और बारिशें जो हुई हैं उसमें ठंड भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और इसके बाद जो है बीमार सब, उसके बाद इतने बीमार हो रहे हैं ना सब। और वीडियो तो मैंने पहले बनाई थी लेकिन अभी जो है घर में सब बारी बारी सबके गले खराब, फीवर इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि अब तो ऐसे लगता है वाकई में जो है ना इस तरह की पूरी वबा सी फैल सी गई हुई है हर घर में। ऐसा है कभी कोई बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में से बीमार हो के घर में आ रहे हैं, तो ये आजकल तो कुछ ऐसा सिस्टम हुआ हुआ है। और अल्लाह ताला हम सबको बीमारियों से बचाए। और मुझे भी फ्लू लगा हुआ है, मेरी आवाज़ भी कुछ ठीक तरीके से निकल नहीं रही, लेकिन मैंने वॉइस ओवर करना था और अपनी वीडियो अपनी टाइमिंग के साथ मैंने अपलोड करनी थी। और आप लोग ये भी कह रहे होंगे इतनी कड़ी मजबूरी पे इसी सुना हाँ बना, लेकिन खैर आपको पता कि जब ऐसे हो जाए तो फिर ऐसा कुछ होता है। और मुझे ये बस पेट्रोल डलवाना था तो फिर मैंने कहा चलो ये भी काम ख़त्म कर लें, और क्योंकि आपको पता है अब पेट्रोल भी इतना महंगा हो गया हुआ है, 148 लीटर है आपको पता ही होगा। और फिर मैंने कहा चले मैं आपको अपडेट दे दूँ ना। तो अब जहाँ पे पहले काफ़ी 1000 में काफ़ी ज़्यादा पड़ जाता था, अब वहाँ पे 6 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है। और जो है इसीलिए किराए वगैरह भी बढ़ गए हुए हैं, और महंगाई तो हर तरफ ही है, आसमानों पे है। तो ये जो है और अभी कुछ सेलें वगैरह भी लगी हुई थी ब्रांड्स पे, तो फिर मुझे वैसे भी जाना था, कुछ शॉपिंग करनी थी, तो मैंने कुछ शॉपिंग वगैरह की थी और मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने शॉपिंग की है, जो मैंने कुर्ते लिए हैं। और बस ब्रांड्स पे भी जो है ना आपको पता है क्या रेट्स हैं और क्या महंगाई है, लेकिन अब ये जो है ना सानू ब्रांड लैड हुए है, तो क्योंकि ब्रांड से वो फिर आपका उस तरह से बेशक नॉर्मल ब्रांड की रेंज भी है, और जो है वहाँ से ये है कि आपका कपड़ा क्वालिटी अच्छी है, आपको कलर्स अच्छे हैं, आपका कपड़ा ख़राब नहीं होता। और अगर बाज़ार की मार्केट में चले जाएं तो आपको वो चीज़ फिर भी महंगी मिलेगी ना, फिर भी आपको वो इतने उन्हें दाम लगाए होंगे, लेकिन ये कि जो कपड़े वगैरह की क्वालिटी उस तरह से वो नहीं होगी, क्योंकि जो लोग पहनते हैं उनको पता है इस चीज़ के बारे में। और अब तो जो ब्रांड्स भी है रिजनेबल प्राइजेस भी हैं इनमें, तो बाकी ऐसा ही है। गुजरात में तो वैसे भी कहते हैं बहुत महंगाई है मार्केट में बहुत ज़्यादा, ब्रांड्स में तो है वो तो मोस्टली सेम रेट्स हैं ब्रांड्स के, लेकिन जो बाज़ार में है ना उसका कहते हैं बहुत महंगा है गुजरात ना। और आपने देखा ही होगा कि मैं जब भी बारिश की लोड करती हूँ तो रोड्स पे बड़ा पानी होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इतनी कम बारिश थोड़ी 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 हुई थी कि इस वाली बारिश में इतना पानी नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने नाले वगैरह कुछ साफ़ किए हैं और इतना अच्छा उन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया था कि उनके नालों में से सारा कचरा निकाल के ना रोड की साइड पर रख दिया था, ताकि आने जाने वाली गाड़ियाँ ना वो उनके व्हील भर जाए। और दूसरा ये कि फिर घर वगैरह बाद में आ गए, और ये बच्चे ज़रा इसको बारिश को इंजॉय करना था, हमीद ने अम्ब्रेला निकाली तो वो जल गई हुई थी और हमने किसी तरीके से जला दी उसको, और फिर वो चला गया रेन में, और वो उसको था कि अब मैं रेन में ना बारिश में जा के उसका मज़ा लूँ और अपनी अम्ब्रेला भी यूज़ करूँ जो ली हुई है, और रेन शूज़ भी।
तो घूम फिर के आ गया और ट्यूशन वगैरह से भी छुट्टी मारी कि अब बारिश है, मैंने कहा बड़ी ज़्यादा हो गई तो नहीं भेजूँगी, लेकिन खैर वो नहीं गए। और हमें बड़ों को सर्दी लगती है और बच्चों को सर्दी नहीं लगती, हम कहते हैं जी चलो गुस्सो बिस्तर में गुस्सो चलो बाहर नहीं जाना, लेकिन बच्चे जो है ना, और बच्चे वगैरह फिर घूम के आके फिर मैंने आपको मैं अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। एथनिक से मैंने एक कुर्ता लिया था और एक अनस्टिच सूट लिया था और इसके बाद एक खादी से लिया था और ये वाला मैंने लिया था एथनिक से लिया था कुर्ता बना हुआ है, और ये ब्लैक है, ये खादी से लिया था, ये खद्दर में बना हुआ है अच्छा है, और ये भी एथनिक से लिया था मैंने टू पीस खद्दर का ही बना हुआ है, और ब्रांड्स पे ज़्यादातर तो खद्दर चल रही है, और जिस ब्रांड्स पे भी चले जाएँ आपको यही मिलेगा, और ये कि अच्छे स्टिच हुए थे अच्छे हैं। और इसके बाद शाम को फिर कॉफ़ी बनाई, कॉफ़ी पी हमने। आप सब भी मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी ढेर सी दवाओं में मुझे याद रखिएगा, और जो है और याद से लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर कीजिएगा, और फिर वही सारी बातें, और ये मज़े मज़े की कॉफ़ी बनाएं आप भी, और मैंने तो बना ली मैं तो पी लूँ, और जो है आप भी जो है मैं इसकी रेसिपी आपसे वो भी शेयर करूँगी। ओके अल्लाह हाफिज़।